उत्तर प्रदेश की सियासत सिमट कर अब पूर्वांचल की तरफ हो चली है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बलिया में, जहां पर बांसडी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हैं राम गोविंद चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहां की सियासत क्या है और इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ समाजवादी पार्टी का देखा जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रफ्तार में। धन्यवाद। 2012, 2017 और अब 2022 में हैट्रिक का उम्मीद देखी जा रही है आपसे। सभी जात वर्ग धर्म के लोग 12 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में विकास का काम, सभी जात वर्ग धर्मों के उत्थान का काम, रचनात्मक काम जनता ने देखा है। 5 साल 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की विफलता, जो कहा सो कुछ किया ही नहीं, जो गया उनसे मांगने उनको लाठी मारा, तो लोग दोनों का आकलन किए हैं और सभी जात वर्ग धर्म के लोग अपने मन से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होगा, लेकिन वहीं इसकी इतर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तमाम तरह की राजनीति। तो क्या लगता है कि इस बार जनता जो है, खासकर आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो जनता क्या सोचे इस बार, प्रोग्रेसिव या फिर धर्म ही बिखर जाएगी? नहीं, धर्म जरूरी है लेकिन धर्म वोट से संबंधित नहीं है। लोग अपना विकास चाहते हैं, अपने लड़कों की पढ़ाई चाहते हैं, किसान खाद बीज चाहता है, सिंचाई चाहता है, मेडिकल कॉलेज चाहता है, हॉस्पिटल चाहता है, स्कूल चाहता है, अपने बेटे को नौकरी चाहता है। तो अखिलेश जी ये सब देने की बात करते हैं और वो केवल धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो इसे जनता को क्या लेना देना है? जनता को अपने बेटे को नौकरी चाहिए, जनता को अपने घर के बीमार आदमी को निःशुल्क दवा चाहिए। तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम दवा फ्री करेंगे, सिंचाई फ्री करेंगे, हर बुआरी सत्र में 2 बोरी डाई 5 बोरी यूरिया फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार देंगे, आर्मी की बीएसएफ की सीआरपी की भर्ती कराएंगे, ईपीपी की भर्ती कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि मैंने 5 साल में जनता के लिए क्या किया है। लेकिन मुख्यमंत्री तो गिना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भयमुक्त उत्तर प्रदेश रहा, रोजगार भी बड़े पैमाने पर दी गई, तमाम तरह की जो उपलब्धियां है, इस बार अपने 5 साल को गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी चाहे गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि हमारा झूठ नहीं चलेगा। मैं तो विधानसभा में कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी 5 बजट पास हो गए, 5 अनुपूरक हो गए, लेखानुदान हो गया, इस बजट के पैसे से कोई एक काम किए हो तो सदन नोट करके बता दीजिए, क्यों नहीं खड़ा होकर बताए? तो कोई काम नहीं। कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, अब घूम के पूछिए कहीं किसी के एक पैसा माफ हुआ है? उन्होंने कहा कि 30 दिन के सारा सरकारी पद भर देंगे, पेपर कराए, लड़के परीक्षा देने गए, पेपर आउट, परीक्षा निरस्त, जो 6869 से जो नियुक्ति है वो मंत्री था उसको भी पूरा नहीं किया, कर दिया उसने। इन्होंने कौन सी भर्ती की है? अखिलेश यादव ने तो कम से कम 15 लाख लोगों को नौकरी दिया, बेसिक में ही मैंने 4.5 लाख नौकरी दिया। अच्छा, आप मानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुक्त उत्तर प्रदेश रहा, अपराध के जो लेवल कम रहे? आप सुनिए ना, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि महिलाओं से बलात्कार, छेड़खानी, उसके बाद जला के मार देना, दुनिया में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि आप तो सब अथॉरिटी है ना, उनके कहने से क्या होता है? वो हाउस में मैंने नेशनल क्राइम की रिपोर्ट पेश किया, वो ईपीपी के पढ़ रहे हैं। मैं तो उसी का जिक्र कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अब केस दर्ज होते हैं, पहले समाजवादी पार्टी में केस दर्ज नहीं होते, इसलिए इस वक्त दिख रहा है आपको। वो बिल्कुल असत्य बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि सारे गुंडे जेल में इनकाउंटर कर दिए गए, जेल में चले गए, जो रहा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, तो फिर डकैती छीनैती मर्डर कैसे हो रहे हैं?
कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब गुंडे तो इनकाउंटर हो गए, जेल में चले गए और कुछ भय से बाहर चले गए, तो वो कैसे रहा? चलिए ये तो अपराध की बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 12 में भी यहाँ से विधायक रहे और 17 में भी रहे, मैं जब लखनऊ से आ रहा था तो आपके क्षेत्र की स्थिति देख रहा, रोड की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो क्या आपको लगता है कि 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया उसकी वजह है, रीजन है? उसी का वजह है ना, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहेगी सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। एक सड़क सिकंदरपुर से लेके मनियर बैरिया लालगंज तक बनवाए, जिस पर ही देखे होंगे आप, चाहे यहाँ से बलिया तक, बाहरी से बलिया तक, इनका दूसरा किस्त भी नहीं दिया। और उनका नेशनल हाईवे इतना खराब है कि सारी ट्रकें बैरिया से घूम जाती है, इस रोड पर इसको भी तोड़ दिया। गड्ढा मुक्त कहीं देखा है आपने? मैंने एक दिन कहा मुख्यमंत्री से, फिर उन्होंने कहा कि हमने सारा प्रदेश गड्ढा मुक्त कर दिया। हमने कहा कि आप आसमान में घूमते हैं हेलीकॉप्टर से, तो आसमान में तो गड्ढा है नहीं। आप अपने विधायक और मंत्रियों से पूछिए कि सड़क गड्ढा मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। सारा सन्नाटा उनके विधायक लगा दिए कि एक विधायक क्यों नहीं खड़ा होगा कि नहीं हुआ है। हम तो आपको वैधानिक प्रमाण देते हैं, विधानसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फेल हो चुकी है, अब उसका झूठ का सहारा है, धर्म का सहारा है। तो राम तो सबके हैं, राम किसी पार्टी के नहीं है, जन जन के राम है। राम हम लोगों के लिए आस्था के केंद्र है और राम भारतीय जनता पार्टी के वोट के केंद्र। तो राम गोविंद चौधरी के लिए क्या है मायने इस बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव का? चुनाव तो अब तो जनता ने बताएगी, जनता से पूछिए। अच्छा आप केतकी सिंह आपको एक मजबूत दावेदारी देंगे? हम किसी कैंडिडेट के विषय में पूछेंगे कुछ नहीं बताएंगे। आप रनर अप नहीं पिछली बार आपको नहीं, आप पार्टी के विषय में बात करिए, व्यक्तिगत किसी का नाम का बात मत करिए। चलिए ठीक है, हम आप मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ से अगर दोबारा फिर से विधायक बनते हैं तो क्या कुछ आपको लगता है जो काम 5 साल में नहीं हो पाया वो काम आप करने वाले? इतना काम 12 से 17 तक मैं किया, कोई कामे बाकी नहीं है जो न कर दिया। चारों तरफ सड़के चकाचक बनी बलिया में, चंद्रशेखर नगर विश्वविद्यालय बना, चंद्रशेखर नगर स्पोर्ट्स कॉलेज बना, गंगा नदी पर पुल बना, घाघरा नदी पर 2 पुल बन रहा है, सभी सड़कें बढ़िया बना दी गई। मैं अपने क्षेत्र में सरकारी पॉलिटेक्निक खुलवाया, सरकारी ITI खुलवाया, लखनऊ के बाद सबसे बड़ा पंचायत राज ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया, आश्रम पद्धति स्कूल जो नवोदय पटरन पर उसको खुलवाया, 132 के बी ए का सबस्टेशन हुसैनाबाद में लगाया, 33/11 का सबस्टेशन दिलुआ में बनवाया, 30 बेड का हॉस्पिटल सुखपुरा में बनवाया। तो तमाम काम आपने इस तरह किए, तो और भी काम होगा इसके बाद? इसके बाद जो जनता कहेगी वो काम होगा। अच्छा एक सवाल आखिरी में आपसे कर लेते हैं कि अभी मैंने सुना कुछ लोगों से कि यहाँ पर अब वार्ड नंबर 3 है जहाँ पर अभी तक आजादी के बाद से बिजली नहीं पहुंच पाई, तो इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? भाजपा जी कह रहे हैं कि कोई घरे नहीं जो बिजली न लगा, तो उनसे पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम हर घर में बिजली दे दिया और हमने 18 से गाँव में 24 घंटा शहर में दे दिया, जबकि 18 घंटा गांव में 24 घंटा शहर में ये बिजली दी हुई है अखिलेश जी की। मैं विधानसभा में पूछा मुख्यमंत्री से कि आपकी सरकार बनी है तब से अगर 1 यूनिट बिजली पैदा किए हो तो आप बता दे, आपके बिजली मंत्री बता दे, नहीं खड़ा हुआ। किसी क्षेत्र में कोई काम किया ही नहीं उन लोगों ने। 2017 में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्वांचल के क्षेत्र की बात करें तो 75% सीटों पर उसके काबिज थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार जनता खुश भी है उनसे या फिर नाखुश है? अब जनता खुश तो रहती तो देख रहे हैं, पश्चिम जहाँ कुछ नहीं थी समाजवादी पार्टी, वहाँ जब हम जीत के आ रहे हैं तो पूर्वांचल तो समाजवादी का गढ़ है। पिछली बार तो लोगों को से ठग के ये लोग उठ लिए थे ना, बड़ी परी महंगाई की मार अब की भाजपा सरकार, 45 रुपया लीटर था हम लोग के जमाने में, 220 इनके में हो गया सरसों का तेल, दवा महंगी, हर तरह के दाल महंगी, प्याज महंगा, लहसुन महंगा, क्या नहीं महंगा, बिजली का रेट बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, ये महंगाई कहाँ चली गई? 10 मार्च को क्या होने वाला? 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। आप क्या बनेंगे?
अब हम कुछ नहीं बनेंगे, जो अखिलेश यादव चाहेंगे वो बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ राम गोविंद चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष थे, और हालांकि बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, आपने अक्सर इनका देखा होगा इंटरव्यू। आज उनसे तमाम मुद्दे पर बात हुई, जिन मुद्दे पे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ झूठ की अफवाहें फैलाई है, सिर्फ झूठ फैलाया है, काम कुछ नहीं किया। बिजली पर भी हमारा सवाल रहा, बिजली जब भारतीय जनता पार्टी कहती कि बिजली पूरे प्रदेश में पहुंची है तो फिर कई जगहों पर बिजली क्यों नहीं पहुंची, तमाम तरह के सवाल है। और उन्होंने कहा कि इस बार अगर फिर जनता अगर उनको चुनती है तो बांसडी विधानसभा क्षेत्र के वो तमाम काम करेंगे जो अछूता रह गया इन 5 सालों में। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या बांसडी विधानसभा क्षेत्र को फिर एक विकास की गति मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं फैज अहमद, रफ्तार मीडिया।